वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतजार था, आज मैं आपको होम टूर देने वाली हूं अपने नए घर का, मतलब कि जहां मैं रह रही हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय शिफ्ट में हूं और यहां पे हमको 2 BHK फ्लैट मिलता है, आप फ्लैट ही बोल सकते हैं, 2 BHK रूम मिलता है, घर मिलता है, तो मैं उसी का आपके साथ टूर शेयर करूंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्हें नहीं पता है, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि मैं इस समय शिफ्ट में हूँ। आपको बिल्कुल डाउट ना हो कि ये घर कहाँ पर है, कहाँ का फ्लैट है या कहाँ का रूम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शिप है ये बहुत पुराना है, मतलब 22 से 23 साल पुराना है। तो इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी वर्क है, वो सब इसी जहाज का है, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे टूट फूट दिखे या खराब सा दिखे तो उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ये हमें कंपनी की तरफ से, हमें यहाँ पे रहना है जब तक हमारे यहाँ पे टाइम है हमारा, तब तक हमें यहाँ पे रहना होता है। तो इसी को अच्छा करके, इसी को मेंटेन करके हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मैं सुपर न्यूमरी हूँ और मेरी बेबी भी यहाँ पे साथ पे रह रही है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें सारी बातें पता है, लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बोल रही हूँ। और अगर जो नए हैं उनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, व्लॉग अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे शिप के वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने शिप के हाउस टूर से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना डे रूम। हमें 2 रूम मिलता है, एक है डे रूम, एक है हमारा बेडरूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डे रूम से। अभी हम अंदर चलते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेलकम होगा, तो यहाँ से आपका वेलकम होता है। हम अंदर चलते हैं तो हमारा जो डे रूम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आपको बाहर से दिखा देते हैं अपने रूम को। ये देखिए, इस तरह से हमारा डे रूम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जैसे ही गेट के अंदर आते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जो कि यहाँ पे बड़ा सा बैठ करके अपना काम करते हैं। और यहाँ पे टेबल में आपका कंप्यूटर दिया हुआ है, सारा वर्क जो होता है वो यहाँ से कंप्यूटर से ही होता है। यहाँ पे ये चेयर दी हुई है, तो इधर ये पूरा आपका ये ऑफिस एरिया हो गया। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सोफ़ा बन दिया हुआ है, जो कि एल शेप का है, काफ़ी बिग साइज़ का है। और यहाँ पे एक साइड कॉर्नर टेबल है जिस पे कि यहाँ पे टोस्टर रखा हुआ है, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ बनाने को तो आप ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं। इधर ये देखिए एल शेप का जो ये सोफ़ा है ये काफ़ी बड़ा है, और सोफ़े के ऊपर यहाँ पे है ये कर्टन। जब हम इसको ओपन करते हैं तो बाहर आपको एक बहुत ही सुंदर सा वेदर सीन दिखाई देता है, जो कि है समुंदर का। मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ऊपर यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, और फ़ैन के बगल में एक और यहाँ पे है कर्टन, जो कि ओपन करते हैं तो फ्रंट साइड का आपको व्यू दिखाई देता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक ये बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे पेंटिंग दी हुई है, जो कि अभी आपको लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बट कोई बात नहीं। हम जब पेंटिंग के इधर बढ़ते हैं तो ये एक और कर्टन है, जब हम कर्टन हटाते हैं तो यहाँ पर ये एक और आपको पोर्ट होल दिखता है। यहाँ मेरा फ़ोन रखा हुआ है, मैंने वीडियो अपलोडिंग में लगाया है, और इस तरह से है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ पीछे घूम के। ये देखिए, तो ये वाला एरिया था जो मैंने आपको अभी दिखाया, और ये वाली पोर्ट होल भी कवर हो गई है। जब हम इसको इधर बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे एक आपको बुक रैक दिया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारी आपकी शिप की बुक्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने अपना बना रखा है छोटा सा किचन एरिया, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमारा खाने का स्टफ है, कॉफ़ी शुगर ये वगैरह रखे हुए हैं। तो जब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ये फ्रिज। फ्रिज यहाँ पे छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलता है। ऊपर रखे हुए हैं रसगुल्ले के डिब्बे, जो कि खाने के लिए काम आते हैं, यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फ्रिज के इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एक बड़ा सा टीवी। टीवी के बगल में है ये वॉच, आप टाइम देख सकते हैं, 1:15 होने वाले हैं। और यहाँ पे हमने अपना मंदिर बनाया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अभी मंदिर में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप बत्ती की राख है, वो मैं डाल दूँगी पानी में, जिससे कि इधर उधर वेस्ट नहीं होगी।
यहाँ पे ये फ्लावर रखा हुआ है जो कि अभी सूख चुका है, बट मैंने इसको हटाया नहीं है, मैंने वर्मा जी को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था इसीलिए। और यहाँ पे ये नीचे बहुत सारी रैक बनी हुई हैं जिसमें कि अभी भी बुक्स, बहुत सारी बुक्स और ये सब होता है शिप का, वो रखा हुआ है। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है जो कि काफ़ी बिग साइज़ है, इसमें पीहू बैठ के पढ़ाई करती हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ओवरलुक कुछ इस तरह से है, ये देखिए। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे 20-20 लीटर वाले कैन आ जाते हैं, उसी से ही पानी मतलब हम लोग के पीने का होता है। तो ये जो आप डे रूम देख रहे हैं, ये बड़ा सा आपका कैबिन है, मतलब कि चीफ इंजीनियर का रूम है। और ये इसी तरह होता है सेकंड इंजीनियर का भी कैबिन, जो कि मैंने आपको लास्ट अपने जो शिप के वीडियो शेयर किए हैं उसमें आपके साथ मैंने शेयर किया है। आप चाहिए तो एक बार ज़रूर मेरे लास्ट टाइम का जो मैंने हाउस टूर डाला है, शिप का रूम टूर डाला है, उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। लगा आपको मेरा डे रूम कमेंट करके बताइए। ये हमारा डे रूम है, सारा दिन हम लोग इसी में ही रहते हैं। अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम जो है वो थोड़ा सा मुझे छोटा लगा इस शिप में, क्योंकि ये मेरा चौथा जहाज है, तो मैंने काफी शिप, 3 शिप पहले भी करे हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये बेडरूम मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बेडरूम का टूर। ओके, तो अभी हम लोग बेडरूम में अंदर आ चुके हैं, तो आप अंदर का मैं आपको पहले ऐसा दिखा देती हूँ कि बेडरूम कैसा है। ये है हमारा वॉशरूम, ये इसके अंदर वॉशरूम है, वो मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी आपको। और इधर मैंने टॉवल टांग रखी है। ये जो कपड़े टांगने के लिए डोरी लगी थी, ये पहले से लगी हुई थी, तो मैंने उसको हटाया नहीं है। और आप देख सकते हैं पैनल्स की जो, ये जो वॉल है इसको पैनल बोलते हैं, पैनल की जो हालत है वो थोड़ी सी बुरी है, अच्छी नहीं है, गंदी हालत में है, बट कोई बात नहीं। इधर फैन लगा हुआ है। और ये हमारा बेड है जो कि किंग साइज तो नहीं है, और उसके ऊपर जो आप थोड़ा गंदा देख रहे होंगे, ये टेप की चिपकाया गया है, टेप, जिससे कि बैड बग्स ना आए, मतलब खटमल ना आए। जी हाँ, यहाँ पे खटमल भी हैं, तो डरने की बात नहीं है, बट है, मैंने आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पे टेप वेप चिपका के रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे टेप वेप लगाया गया है। और इसके इधर देखते हैं तो ये है यहाँ पे पोर्ट होल। जब इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ सनसेट, अब होने वाला है, शाम है इसलिए सनसेट का व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारा। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सनसेट आप देखती होंगी, तो जी हाँ, मैं सनसेट और सनराइज़ दोनों ही देखती हूँ। ओके, तो ये पोर्ट होल के जब हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ मेरा ट्राईपॉड रखा हुआ है। ये हमारी वार्डरोब है, वार्डरोब में मैंने सामान बिल्कुल अच्छे से नहीं यहाँ पर एडजस्ट किया है, वही मैंने बैग बैग की जो बात बताई, इसलिए तो मैंने बैग बैग उठा के ऐसे ही वहाँ पर सेट कर दिए हैं। वार्डरोब के लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये छोटी सी एक शेल्फ बनी थी, तो मैंने डेली एसेंशियल वाली चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं, थोड़ा बहुत स्टफ है। ये टेप के मार्क हैं जो कि खटमल के वजह से लगाए गए होंगे। और इधर देखते हैं तो ये कर्टन लगा हुआ है, कर्टन भी थोड़ा गंदा है, बट कोई बात नहीं, पैनल्स भी अगेन गंदे हैं, चलेगा। और इधर हमारा ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर मैंने यहाँ पे एक मैट रखी है, और यहाँ पे बाथरूम स्लीपर रख दी है, इस साइड पे एक स्टूल रखा है, तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, ये है मेरा बेडरूम जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट ठीक है।
गाइस, आई होप आपको मेरा ये टूर अच्छा लगा होगा, मेरा हाउस टूर, मेरा नया घर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ और कल का वीडियो मेरा व्लॉग जरूर देखिएगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए, खुश रहिए, लोगों से प्यार करिए, खुशियां बांटिए। बाय बाय।